अनथराइज बिना पुछे बिना साड़ी इजाजत तो धक्के बढ़ के पंजाब दे विच खलल पा रहे। ये खड्डा बिल्कुल लीगल है, बिना कारण बदनाम करने की कोशिश, जेड़े झूठिया अफवाह उड़ाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के बाहरों आके बंदे करते, वो असी पंजाब दे विच बर्दाश्त नहीं करने। पंजाब च चोणां दा माहौल पूरी तरह भख्या होया है ते सियासी पार्टियां एक दूजे ते वार पलटवार कर रही ने ते पंजाब च रेत माफिया नूं लै विरोधी धिरां सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ते लगातार सवाल चुक रही है ते बीते कल आप आगू राघव चड्ढा ने भी सीएम चन्नी ते नजायज़ माइनिंग दे आरोप लगाए ते अज इसे नूं लै मुख्यमंत्री चन्नी रोपड़ दी रेता खड्ड ते पहुंचे ते उत्थे पहुंच के जायजा लिया ते नाल ही आम आदमी पार्टी दे आगू राघव चड्ढा नूं भी जवाब दिता ते चेतावनी दिती कि पंजाब दे मुद्दियां च दखल देण वाले बाहरों आए लीडरां ते कार्रवाई की जाएगी। सो मैं पंजाब वासियां नूं दसना चाहुंदा कि कुछ लोग दिल्ली ते आके आ कोई चड्ढा है, ये चड्ढा ही है उहदा नाम राघव चड्ढा, वह दिल्ली तो आया है इत्थे खलल पाउंदा बिना मतलब ते आके, दो तीन दिन उत्थे दे सिसोदिया जी आके साडे स्कूलां विच घूम के गए है, ये अनथराइज्ड बिना पुछे बिना साडी इजाजत तो धक्के नाल बढ़ के पंजाब दे विच खलल पा रहे। मैं कहना कि साडा कोई नौजवान, साडा कोई MLA, साडा कोई MP, कोई आम आदमी पार्टी का बंदा खड पर आके पता करे, ऐसी ओपन किया होया कि वीडियो बनाओ, जो कोई गलत काम होंदा तो ऐसी सज़ा देवांगे, लेकिन ये जिहड़े बाहरों बंदे आके बिना मतलब बिना किसी कारण खलल पाते हैं, ये अपना उत्थे दिल्ली संभाल लैन, अपने सूबे संभाल लैन जिथे UP बिहार के है, साडे पंजाब दे विच खलल ना पाउण। साडियां सारी ये जिन्नी रेता चक हो रहा सारा लीगल है, ये खड्डा बिल्कुल लीगल है, बिना कारण बदनाम करने की कोशिश, जेड़े झूठिया अफवाह उड़ाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के बाहरों आके बंदे करते, वो असी पंजाब दे विच बर्दाश्त नहीं करने। अगे नूं किते भी मैं अज उन्हां नूं रिक्वेस्ट कर रहा, हाथ जोड़ के आम आदमी के वर्करां नूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा कि अपने बाहर तो जिहड़े बंदे आके तुहानूं डिक्टेट करते हैं इन्हां नूं रोको, नहीं तो असीं बाहरों आए बंदे ते कार्रवाई करांगे जिहड़े नजायज़ इत्थे पड़दे। जिक्रयोग है कि बीते दिन पहला आम आदमी पार्टी के आगू राघव चड्ढा वालों इस खड्ड ते पहुंच के गैर कानूनी माइनिंग के आरोप लगाए गए ने ते मुख्यमंत्री चन्नी की कार्यगुजारी ते सवाल भी चुके गए। इस समय हम पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब के हलके श्री चमकौर साहब के जिंदापुर पिंड में खड़े हैं और इस पिंड में सरेआम नजायज इलीगल रेता माइनिंग चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरिया है, रेता निकाला जा रहा है और पानी हटाकर उस रेते को पोकलेन JCB में भरकर ले जाया जा रहा है ट्रकों में। चन्नी साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि रेता माफिया मेरे पास ना आए, मैं रेता माफिया का मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन यहां तो नजर आ रहा है सरेआम रेता माफिया मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में काम कर रहा है। ये लाइव रेड आज हमने मुख्यमंत्री जी के चन्नी साहब के अपने हलके में उनके हलके के पिंड जिंदापुर में करी है और मैं बता दूं कम से कम यहाँ से रोजाना हमारा अपना अनुमान है कि 800 से 1000 ट्रक जिसे टिप्पर कहा जाता है वो लेकर यहाँ से ले जाए जाते हैं। एक ट्रक में 800 फीट कम से कम रेता आता है जो 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक मार्केट में कहते हैं कि बिकता है। मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह होर्डिंग लगाए, चन्नी साहब कहते हैं कि रेता माफिया मेरे पास ना आए, मैं रेता माफिया का मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन यहाँ उनकी नाक के नीचे रेता माफिया चल रहा है।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ।